अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद। आपका YouTube चैनल में खैर मुकद्दम है। आज हम बात करेंगे कि मौली फिश की सर्दियों में देखभाल किस तरह करें। मौली फिश हमारे अक्सर अच्छे दोस्त हैं और हमारे अक्वारियम को खूबसूरती से भर देते, लेकिन सर्द मौसमों में उनकी देखभाल में कुछ खसूसियात होती है। पहली बात यह है कि सर्द मौसमों में पानी का दर्जा हरारत बढ़ा दें। मौली फिश ठंडे पानी को बर्दस्त नहीं करते और उनकी सेहत के लिए मुनासिब दर्जा हरारत बहुत अहम है। एक एक्वारियम हीटर खरीदें ताकि आप अपने एक्वारियम के पानी का दर्जा हरारत काबू में रहे। ये मौली फिश को ठंडे पानी से बचाता है और उनको सेहतमंद रखता है। मौली फिश को अच्छी रोशनी की जरूरत है। सर्द मौसमों में रात की लंबाई में इजाफा करें ताकि उनको महसूस हिदायत मिले और उनकी रोशनी की जरूरियात पूरी हो। मौली फिश को सेहतमंद रखने के लिए अच्छा खुराक बहुत अहम। सर्द मौसमों में इनको ज्यादा प्रोटीन मिलेगा जो उनकी सेहत के लिए बेहतर होता है। पानी की सफाई पर भी गौर करें। सर्द मौसमों में एक्वारियम में मुमकिना बैक्टीरिया की बढ़ोतरी होती है, लिहाजा मुनज़्ज़म तमीरात और पानी की तब्दीली का ख्याल रखें। अब अगर ये तमाम बातों का ख्याल रखेंगे तो आपकी मौली फिश खूबसूरत, सेहतमंद और खुश रहेगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप अपनी मौली फिशों की देखभाल में माहिर होंगे। शुक्रिया। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई वीडियोस से बाखबर रह सकें और हमसे मुकम्मल तआवुन हासिल हो सकें। अलविदा।